आपके समय ओबीसी के जितने छात्रों के समाजवादी पार्टी के समय जितने भी नियुक्तियां हुई हैं, 27 फीसदी भी उसमें आरक्षण नहीं मिला है। 27 फीसदी भी, किसी भी नौकरी को आप उठा करके देख लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूं 27 फीसदी भी ओबीसी के छात्रों को नौकरी नहीं मिली। पिक एंड चूज होता था, क्या ये सच नहीं? आज जिस तहसीलों की आप बात कर रहे हैं, यहां पर भतीजा और चाचा की एंड कंपनी वसूली के निकली थी और लेखपालों की तैनाती उस आधार पर हुई थी। आज तो नहीं है, आज तो हमने 5,500 लेखपालों की तैनाती दी है, एक भी जगह कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई नहीं उठा सकता। जब ये नौजवान जाएंगे एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। आप अंदर बोल देना, पढ़ लीजिए आप, उसके बाद बोले। हाँ अब बोलेगा, मैं आपकी बात को सुनूंगा, लेकिन मैं अकेले बोलना चाहता हूं कि आप लोग ये पंचतंत्र की कथा को क्यों दोहराने का काम कर रहे हैं, कथा फिर से पूरी नहीं होने वाली है। याद रखना, हमारी सरकार में मैंने लोक सेवा आयोग के आंकड़े आपको दिए हैं और मैं फिर दावा ठोक करके बोलता हूं, 27 फीसदी नहीं, हमारी सरकार में जो तैनाती हुई, नियुक्तियां हुई हैं किसी भी पद पर हुई हैं, SC ST OBC की अगर आप नियुक्तियों की बात करते हैं, मैं कहता हूं ये 50 फीसदी नहीं, 60 फीसदी से अधिक नियुक्तियां प्रदेश के अंदर हुई है। 60 फीसदी से अधिक नियुक्तियां हर एक स्तर पर हमने किए हैं और ये सुनिश्चित किया है एक प्रदेश के किसी नौजवान के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। धोखा कोई करेगा उसकी नौकरी को उसी दिन हम लोग लेने का काम करते हैं, जेल के अंदर पूरी निर्ममता के साथ उसको ठूसने में भी कोई कोताही नहीं बरतते।